सोडारियों की बात करें तो यहाँ पर अरमान और आसमा को देखकर आलिया को बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर आलिया साफ तौर पर देख रही है कि आसमान और अरमान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है और ऐसे में अब वो एक बड़ा कदम उठाने वाली है। वो अब कबीर के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। कबीर के साथ दोस्ती बढ़ाते देख अरमान जो है वो काफी जेलस फील कर रहा है। उसे मालूम है कि आलिया ये सब इसलिए कर रही है ताकि उसे जला सके। वो आलिया को समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आलिया कुछ भी नहीं समझ रही। आलिया जानबूझकर ये सब कर रही है, कबीर के साथ दोस्ती कर रही है, उसके साथ घूम रही है। अब घर वालों को ऐसा लग रहा है कि आलिया को कबीर पसंद है। यहाँ पर जो एकम है वो कहता है कि आलिया तुम्हें कबीर पसंद है, तुम उसके साथ दोस्ती बढ़ा सकती हो, अगर तुम दोनों को अच्छा लगे हम लोग शादी की बात भी कर सकते। लेकिन आलिया कहती है कि पहले मैं कबीर को जानना चाहूंगी, उसे समझना चाहूंगी, तभी मैं डिसीजन लूंगी। यहाँ पर अब अरमान जो है वो आलिया को समझाता है। आलिया जो है वो निकल जाती है बाहर, रोड पर दोनों जा रहे होते हैं। अरमान आलिया से कहता है कि आलिया ये क्यों कर रही है, तुम्हें मालूम है ना कि मैं आसमा के साथ क्यों हूँ, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू ये कदम उठा रही है। आलिया कहती है कि मैं जो कहती हूँ तुम करते नहीं हो और अब तुम मुझे कह रहे हो, अब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। दोनों जो हैं वो रोड पर झगड़ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है और एक जोरदार एक्सीडेंट होता है। इधर जो है आसमा वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है कि उसके पति को कुछ भी ना हो, वो अपना अगला तप करेगी। देखना दिलचस्प है कि यहाँ पर किसे चोट आई है, आलिया को या फिर अरमान को। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।